तुम्हारे पहले पाठ का वक्त हो गया है। शुभकामनाएं। बच्चों, हमारे बीच एक नई छात्रा आई है, स्वागत करो। सुप्रभात। 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 ओ, ये क्या किया? हाँ? रुकिए, मैं उठा के देता हूँ। ये रही आपकी किताब। और फिर उसने सारे कांटे चम्मच जमीन पर गिरा दिए। मैं हूँ सोफिया, एम्बर की बहन। सौतेली बहन, वाह कितना अच्छा लॉकेट है। धन्यवाद। इसे शाही समारोह में पहनेंगे। हम सब वहाँ होंगे, हमें उसका इंतजार है। एम्बर, आप यहाँ क्या कर रही हो? हमें लगता है कि सोफिया को जादुई झूले पर बैठना चाहिए। पता नहीं एम्बर, पिताजी ने कहा है उसे अच्छे से पेश आना। लेकिन हम हर विद्यार्थी का ऐसे ही तो स्वागत करते हैं ना? वैसे बात तो सही है। सुनो सोफिया। कहो जेम्स, कुछ काम है? आपने जादुई झूले पर बैठ के देखा? उसे झूलाना नहीं पड़ता, वो अपने आप झूलता है। जाइए बैठ के देखिए। अपने आप झूलता है? ऐसा पहले कभी नहीं सुना। ओ नहीं, अब आएगा मजा। बहुत मजा है जेम्स, तुम जीत गए। ओ नहीं, फिक्र मत करो, पहला दिन सबके लिए मुश्किल होता है, उन्होंने मेरे साथ भी ऐसे किया था। अगला वर्ग शुरू होने से पहले कपड़े सुखाने होंगे। सोफिया रुकिए, आपने तो कहा था वो आपकी बहन है। वो है। ये आवाज कैसी? डरो मत, मैं मदद करती हूँ। अब तुम ठीक हो, बस तुम और माँ जैसे होना चाहिए। हाँ? अब मुझे चलना चाहिए, फिर मिलेंगे। धन्यवाद। ये चाल उसके साथ नहीं करनी चाहिए थी। सोफिया रुकिए। राजकुमारी सोफिया, राजगुरुकुल में तुम्हारा पहला दिन कैसा रहा? सोचा था उससे कई ज्यादा मुश्किल। ओ बेचारे राजकुमारी। वैसे कैसा रहेगा अगर तुम मेरे साथ मेरा तहखाना देखने चलो? मेरा मतलब जादुई कमरा। पता है अब तक वो महाराज ने भी नहीं देखा है। बस यहाँ से ऊपर आ जाओ। और यही है वो जगह जहाँ जादू ही जादू होता है। ये बस वर्मवुड है मेरा कौवा। अब शांत हो जाओ वर्मी, तुम राजकुमारी को डरा रहे हो। देखो मैं सारे जादुई शाही कार्य बनाता हूँ यहाँ पर। वाह, ये तो कमाल की जगह है मिस्टर सीड्रिक।
हे, ये तो मेरे रक्षा यंत्र जैसा है। अरे हाँ, ये तो तुम बिल्कुल सच कह रही हो राजकुमारी जी। ओह, पर तुम्हारे पास एवलार का लॉकेट है तो तुम्हें इसके जादुई शक्तियों के बारे में तो पता ही होगा। तुम्हारे हर किए का फल जरूर मिलेगा, अच्छे का फल मीठा और बुरे का फल कड़वा। सच? हाँ बिल्कुल, वैसे अगर ये असली लॉकेट है तो, लेकिन इसकी सच्चाई का पता सिर्फ मेरे जैसा एक सच्चा जादूगरी लगा सकता है। ये सच है या झूठ मैं अभी दिखा सकता हूँ। मुझे नहीं पता। वो भी तुम्हें तुरंत लौटाऊंगा, मेरा वचन रहा। मैंने भी वचन दिया है कि इसे कभी नहीं निकालूंगी, और मेरी माँ कहती है कि टूटा हुआ वचन फिर से नहीं जोड़ा जा सकता। वो बिल्कुल सही कहती है। कितनी देर होगी, देखो उम्मीद है तुम्हें ये सब अच्छा लगा। मैं जानता हूँ यहाँ सब सीखने में तुम्हें वक्त लगेगा, तो अगर तुम्हें कभी किसी मदद की जरूरत हो तो मेरा दरवाजा हमेशा खुला है। वो लॉकेट मेरा होकर ही रहेगा। क्या तुम्हें लगता है इसे उठाना चाहिए? मजाक कर रहे हो, कल वो हमें देखकर चिल्लाने लगी थी, मेरे तो कान ही फटने वाले थे। मैं चिल्लाने वाली नहीं हूँ। तब तो ठीक है। तुम हमें सुन सकती हो? तुम बोल सकती हो? क्या ये कभी चुप रह सकता है ऐसा पूछो। हे, वैसे तुम हमें कैसे सुन सकती हो? क्या क्या ये कोई जादू है? तुम्हारे हर किए का फल जरूर मिलेगा, अच्छे का फल मीठा और बुरे का फल कड़वा। मैंने कल एक नन्हे पंछी की मदद की और शायद रक्षा यंत्र ने मुझे प्राणियों से बात करने की शक्ति दी। ये तो बढ़िया है, क्योंकि तुम राजकुमारी हो इसलिए मैं तुमसे अभी के अभी कुछ जानना चाहता हूँ। क्लोवर अभी नहीं, उसे तैयार होकर गुरुकुल जाना है। कोई बात नहीं क्लोवर, बताओ। रुको रुको, मुझे इतने करीब लेने की जरूरत है, मुझे नीचे रखो। गलती हो गई, तुम इतनी प्यारी हो कि मैं खुद को रोक ही नहीं सकी। तो रोका करो, मदद करोगी? ठीक है, तो अब ये बताओ कि हम जंगल के जानवर तुम राजकुमारियों के इतने सालों से मदद क्यों करते आए हैं? मुझे नहीं पता।